भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के शिल्पी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और उत्साह और उमंग से भरे हुए कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, हम दो मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से। अजान के लिए दो मिनट का भाषण इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोक रखा है। भारत माता की
साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है। राजनीतिक विचारधारा के कारण हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। भय और भ्रम, इन दो शस्त्रों को लेकर के विशेष करके माओवादी विचार, लेफ्टिस्ट पार्टियां, उन्होंने जो जुल्म किया है, ये लोकतंत्र की ताकत है। गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ मतदाता ने भी इस चोट का जवाब वोट से दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं को खोने की पीड़ा जितनी हम लोगों को थी, उतनी ही पीड़ा त्रिपुरा के हर नागरिक को थी। और इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए आदर से उनका स्मरण करता हूं कि उन्होंने कहा कि इस विजय को मैं आंख में नमी के साथ उन शहीदों को समर्पित करता हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस विजय के अभूतपूर्व घटना और माहौल के बीच हम दो मिनट के लिए खड़े होकर के उन शहीदों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। शांति शांति। साथियों, लोकतंत्र में जय और पराजय बहुत स्वाभाविक होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन राजनीतिक दलों को विजय को पचाना जितना जरूरी होता है, उतना ही पराजय के प्रति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर रगों में लोकतंत्र है तो पराजय को भी खेल दिली के साथ स्वीकार किया जा सकता है। 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं, जो लोग लोकतंत्र की बार बार दुहाई देते रहे हैं, वे पराजय को खेल दिली के साथ स्वीकार करने का संस्कार खो चुके हैं। मैं आज भी जो लेफ्टिस्ट का बयान देखा, चौंकाने वाला है।
और मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी वर्ग इस अहंकार को, इस अलोकतांत्रिक मानसिकता को भली भांति देश के सामने प्रस्तुत करेगा। मैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों को, जो इस चुनाव में मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि अपप्रचार के बीच दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामान्य मानवी के दिलों तक पहुंच चुकी है। और ऐसी स्थिति में रहने वाले लोग दूर सुदूर, उनके लिए कभी कभी पुराना छोड़ना, नया स्वीकारना बहुत मुश्किल काम होता है। शहर के अंदर भी कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कितनी पीड़ाएं झेली होगी, कितनी बुराइयों को आंखों के सामने देखा होगा, कितनी मुसीबतों से गुजारा किया होगा कि आज उनका गुस्सा लोकतांत्रिक तरीके से मतपेटी में प्रकट हो गया। हिंदुस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों को एक बात तो समझना होगा कि नो वन से वन की यात्रा, नो वन NOONE, वन WON, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। और आप जानते हैं, सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है। और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। कल देश अनेक रंगों से रंगा हुआ था होली में, लेकिन आज सारे रंग केसरिया रंग में रंग गए। जिस बात का मैं उल्लेख करूंगा, हो सकता है इस चुनाव विजय को जो लोग नीचा आंकना के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, या जल्दी से कोई मुद्दा नया ढूंढ रहे हैं ताकि इससे निकल करके कहीं और चले जाएं, उससे एक बड़ी जमात है। हो सकता है मैं जो बात कहूंगा उनको काम आ जाए। जो बात मैं कह रहा हूं वो मैंने सुनी है, मेरा न उसमें ज्ञान है न मेरी उसमें कोई आस्था है, लेकिन मैंने सुना है, कहते हैं कि जो वास्तुशास्त्र वाले लोग होते हैं, जो इमारत बनाते हैं, वो एक मान्यता रखते हैं वास्तुशास्त्र वाले। अब मैंने तो घर बनाया नहीं तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है, तो वो कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से इमारत की रचना जो होती है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए सारा फोकस वास्तुशास्त्री नॉर्थ ईस्ट को केंद्र में रखते हुए मकान की रचना का करते हैं। मतलब कि एक बार नॉर्थ ईस्ट ठीक हो गया तो पूरी इमारत ठीक हो जाती है। भाइयों बहनों,
आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे देश का नॉर्थ ईस्ट आज विकास की इस यात्रा का शायद देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। देश के राजनीतिक विश्लेषकों को देखना होगा कि संगठन की शक्ति के आधार पर जनसंपर्क के माध्यम से लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है कि वो मतदाताओं को अपनी बात बताएं, समझाएं, उनको स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें। एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से भांति भांति राजनीति चली, जातिवाद की राजनीति चली, बम बंदूक की राजनीति चली, मेरे तेरे वाली राजनीति चली, उसने उस मूलभूत आत्मा को धीरे 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 क्षीण कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के चुनावों ने और लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा ने ये सिद्ध किया है, और मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से चाहूंगा कि एक बार इस विषय पर गहराई से चिंतन हो कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को लेकर के, उनके विश्वास को लेकर के जन सामान्य तक लगातार पहुंच करके सही बात बता करके उनके दिलों को भी जीता जा सकता है और चुनाव भी जीता जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की शक्ति के द्वारा राजनीतिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, ये अमित भाई के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की टीम ने सीमित संसाधनों के बीच भी ये करके दिखाया है। एक भ्रम फैला है कि बहुत बड़ा नाम हो, टीवी पे चमकता हो, चेहरा शानदार हो, भाषण बड़े बढ़िया हो, तभी राजनीतिक नेतृत्व होता है। इन तीनों राज्यों के किसी नेता को अभी भी मीडिया को पता नहीं है सच्चा नेता कौन है। यानी संगठन की ताकत देखिए कि कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बड़ा हीरोइज्म नहीं, एक सामान्य मैं आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आप बीजेपी मुख्यालय से सुन रहे थे, एक बार फिर से चलते हैं। मैं आपका हूं, वहां पर हमारे लीडरशिप ने, और मैं क्रेडिट में उस स्थानीय कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक बल देता हूं, तवज्जो देता हूं। तो वहां है, हमें तो गुलदस्ता मिल रहा है। शायद मुझे पूरा, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन शायद हिंदुस्तान की विधानसभाओं का अगर एवरेज एज देखा जाए तो त्रिपुरा की बीजेपी की इलेक्टेड टीम शायद सबसे छोटी आयु की इलेक्टेड टीम है। हमारे कुछ उम्मीदवार तो ऐसे थे कि डर लग रहा था कहीं 25 की आयु पहुंचे ना हो और कहीं हमारा नामांकन रद्द ना हो जाए, तो नामांकन भरने से पहले उनका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना पड़ा, क्योंकि दिखने में इतने छोटे कार्यकर्ता थे ऐसा लग रहा था अभी कॉलेज में एडमिट हुआ होगा। लेकिन ऐसी ऐसी हमारी बाल सेना का है, राजनीतिक जीवन की बाल सेना, उसने ये कमाल करके दिखाया है। ये देश के पॉलिटिकल पंडितों का ध्यान, मुझे आज टीवी देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं कागज पे देख रहा था क्या क्या हुआ है। ये चीजें किसी के ध्यान में नहीं आई है कि इतनी छोटी आयु के नौजवानों ने भी विश्वास प्राप्त कर लिया, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार ने किस प्रकार से काम किया होगा। आपको मालूम होगा जब लोग हम
2014 में दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का मुझे आप लोगों ने अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया। उन्हीं दिनों में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अत्याचार हुए थे, आपको याद होगा। और उस समय राजनाथ सिंह जी ने मुखर होकर के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के साथ लगातार मीटिंगें की थी। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सरप्राइज था कि अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के किसी लड़के के साथ कुछ अन्याय हो तो उसके लिए इतनी संवेदनशील है। सबसे पहला मैसेज 2014 में चला गया। बाद में होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को पुलिस के अंदर भर्ती करने का कोटा तय किया जाएगा और उसको लागू किया गया। अब जो पॉलिटिकल पंडित विश्लेषण करते होंगे ना, इनकी डायरी में चीजें होगी नहीं कि कैसे कैसे, क्योंकि इस देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमेशा लगा कि दिल्ली हमसे बहुत दूर है और हमने स्थिति ये पैदा की कि दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी कर दी थी। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने डोरन मंत्रालय बनाया। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिन्होंने हर डिपार्टमेंट को 10% अमाउंट डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेटेड रखने का निर्णय किया था, लेकिन बाद में वो ऐसा ही ऐसा ठहरा रह गया था। हमने आकर के उस बात को आगे बढ़ाया और उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी। आज डोनर मंत्रालय हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के पास, कोई राज्य की हो केंद्र की हो, कोई मंत्रालय मोबाइल नहीं है। हमारा डोनर मंत्रालय मोबाइल है जो महीने में एक बार पूरा डोनर मंत्रालय का सेक्रेटरिएट नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाता है, वहां मुकाम करता है और नॉर्थ ईस्ट के सवालों का समाधान वहां जाकर के करता है। और महीने में एक राज्य में जाना ये लगातार चल रहा है। इन पॉलिटिकल पंडितों को यह भी पता नहीं होगा क्योंकि ये कोई टीवी इंटरव्यू नहीं करते हैं, ये बयानबाजी नहीं करते, काम करते हैं। यही लोग, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, देश आजाद होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के बाहर के जितने मंत्री नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे पूरे 70 साल में, हमने 4 साल में उतने मंत्री 4 साल में नॉर्थ ईस्ट में भेजे हैं। हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी जिले में एक दिन रात के साथ बिताता है, 24 घंटे बिताता है। उनके भाव को हमने समझा, जो एलियनेशन का भाव था, उनको लग रहा था भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा 4 साल तक लगातार और चुपचाप करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान ली कि इस काम को करना है। अनेक कार्यकर्ताओं ने, और वहां त्रिपुरा में तो हाल यह था कि कहीं काम करना मतलब आपको घर से निकलने के बाद मां बाप को कह करके जाना पड़ता था कि पता नहीं शाम को लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, इस हाल में काम किया है। और इसलिए मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, केरल हो या त्रिपुरा हो या पश्चिम बंगाल हो, और कुछ राज्यों में भी इन दिनों में जो ओडिशा में भी ऐसी खबरें आने लगी है, जिस प्रकार से राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में पिछले 6 महीने में हमारे 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी का उदय लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का उनका सामर्थ्य नहीं है, वो हिंसा का मार्ग अपना करके हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश के कार्यकर्ता विश्वास रखिए, ये त्रिपुरा की मिसाल है हमारे सामने। हमारे कार्यकर्ता का रक्त का एक बिंदु भी कभी बेकार नहीं जाता है। और इसके बावजूद भी हम चुप रहे, और कभी कभी अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो आता है वेंडेटा वेंडेटा वेंडेटा। अरे वेंडेटा नहीं है, मैंडेटा है।
ये जनता जनार्दन का मैंडेट है कि देश की भलाई के लिए कदम उठाना, और हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, और मैं जब संगठन का काम देखता था तो इस क्षेत्र में मुझे दौरा करने का काफी अवसर मिलता था। आठ आठ दस दस घंटे दौरा कर करके पहुंचते थे, और पहुंचने के बाद भी हाथ में जो थैला है किस घर में रखेंगे जगह नहीं मिलती थी, हमारी वो ताकत नहीं थी। पार्टी के लिए काम करने वाले लोग भी नहीं थे, कभी अता पता लेकर के कोई परिचित के पास चला जाना पड़ता था और वहीं जाकर के बिल्कुल शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर कोने में बट वृक्ष बनकर के उभरी है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से उभरी है। पूर्ण परिवर्तन के लिए संपूर्ण रूप से किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए एक शब्द प्रयोग बड़ा पॉपुलर होता है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री यानी परफेक्ट आपका अप्रोच है उस प्रकार से माना जाता है, और परिणाम लाने के लिए हर प्रकार से आप हर कोने में हर बारीकी से चीजें देखते हैं। ये 360 का अपना महत्व है। आज त्रिपुरा के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, कर्नाटक के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, पश्चिम बंगाल के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, केरल के उन शहीदों का स्मरण करते हुए, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में राजनीतिक कारणों से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ऐसे सभी शहीदों का स्मरण करते हुए क्या हम संकल्प कर सकते हैं 360 डिग्री की ओर पहुंचने का? मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी तय करेंगे उचित समय पर किस प्रकार से आगे बढ़ना, उसका फैसला करेंगे। लेकिन हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के लिए जो भी काम तय होगा, पार्टी हमें जो काम देगी, हम सब मिलकर के जू जान से जुट करके आने वाले दिनों में इच्छित परिणाम ला के रहेंगे। भ्रम और भय फैलाने वाले, झूठ फैलाने वालों को सबसे अच्छा जवाब लोकतंत्र में मतदाता ही देता है, और लोकतंत्र ने सारे झूठ को जवाब दे दिया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है क्योंकि अमित भाई को मैंने विद्यार्थी जीवन से देखा है, और आज जब उनके नेतृत्व में सफलता के बाद सफलता आती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना गर्व होता है, कितना आनंद होता है। और भारतीय जनता पार्टी, ये कितनी खुशी की बात है, इस देश में एक दल ऐसा है कि जिसका अध्यक्ष एक के बाद एक विजय को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, और देश में ऐसे भी दल हैं कि जहां लोग पद में तो ऊपर चढ़ते जाते हैं लेकिन कद में छोटे होते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का कद इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। मैं अभी पुडुचेरी गया था, पुडुचेरी में मैंने एक भाषण किया था। मैं भाषण किया था तो मैंने कहा था, वहां पुडुचेरी में मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं,
केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैंने उनको पब्लिकली बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, वो मेरे साथ थे, फिर मैं बीजेपी के कार्यक्रम में गए, वो एयरपोर्ट पे चले गए, तो मैंने सार्वजनिक रूप से उनको बधाई दी। मैंने कहा, नारायण स्वामी जी, आप सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं कांग्रेस में। आपका जैसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने कहा कि जून महीने के बाद कांग्रेस के लिए एक स्पेसिमेन ऐसी कांग्रेस थी, या कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री होते थे, किसी जमाने में हम भी राज करते थे, आखिरकार वो स्पेसिमेन ही बचाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा, पूरी कांग्रेस के लिए आप ऐसे स्पेसिमेन बन जाएंगे कि आपको पूरी कांग्रेस कंधे में लेकर के नाचेगी, देखो हमारे पास एक मुख्यमंत्री है। मैंने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में समाप्त हो जाओगे, आप कर्नाटक में भी समाप्त हो जाओगे, और पंजाब तो न ये उनको अपना मानते हैं, न वो इनको अपना मानते हैं। वो स्वतंत्र फौजी है, कांग्रेस पार्टी का कद इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ है जी। लेकिन सब राजनीतिक दलों को सतर्क रहना होगा, भारतीय जनता पार्टी को विशेष सतर्क रहना होगा कि कांग्रेस कल्चर कहीं इधर उधर घुस न जाए। मैं इस चुनाव में विशेष करके हमारे सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से नॉर्थ ईस्ट में चुनाव में हिंसा की वारदात की घटनाएं इतनी तीव्र रहा करी है भूतकाल में, लेकिन इस चुनाव में, चुनाव के दरमियान हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई, चुनाव के दरमियान एक हुई, बाकी तो सब पहले हुई, 500 से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, और कभी कभी तो बड़ा जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई लड़नी पड़े, उस प्रकार के हमले हुए। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव संपन्न कराने में, शांति बरकरार रखने में हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत उत्तम भूमिका निभाई, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये इस इलाके में संकट रहता है, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सुरक्षा बलों से उचित काम लेने, क्योंकि सुरक्षा बल चुनाव घोषित होने के बाद सरकार के हाथ में नहीं होते हैं, वो पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी किया इसके लिए सुरक्षा बल विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन अभिनंदन का अधिकारी है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिलाने वाली मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वहां के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं, और मैंने चुनाव सभाओं में कहा था, और हम वो इंसान हैं जो चीजों को पूरा करने में लगे रहते हैं, हमने कहा था, क्योंकि वहीं नजर आता था, जब भ्रमण करता था तो पता चल रहा था कि किस प्रकार के वाइब्रेशंस है, और तब मैंने कहा था कि आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उसे ब्याज समेत लौटाएंगे। और मैंने कहा था, जब मैं ब्याज समेत कहता हूं तो विकास करके हम ब्याज समेत लौटाएंगे। मैं आज फिर वहां के नागरिकों को विश्वास दे रहा हूं यहां से कि हम विकास को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे कि आपके प्यार को ब्याज समेत विकास के द्वारा हम लौटाएंगे, और तभी हम चैन से बैठेंगे। इसी एक विश्वास के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, देश भर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने सीधे सीधे निशाना साधा है। ये कहा है कि पद भले ही बड़ा हो गया हो लेकिन कद छोटा होता हुआ चला गया है और कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा है जब इतने कम राज्यों में सिकुड़ चुकी है। और अब उन्होंने सीधे सीधे ये भी कहा है कि पूर्वोत्तर की जो हवा बही है वो कर्नाटक पर भी अपना असर डालेगी और कर्नाटक हम जीतेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई। ये भी बताया है कि वास्तु के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट कितना महत्वपूर्ण होता है और नॉर्थ ईस्ट को जीतने का मतलब यह है कि बाकी के राज्यों में भी हमारा विस्तार। लेकिन राहुल गांधी पर पीएम मोदी का यह निशाना, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीधे कहा कि पद बड़ा हुआ लेकिन पार्टी का कद छोटा हो गया और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है मेघालय जो पूर्वोत्तर में मिजोरम के बाद एकमात्र राज्य था वहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता में दोबारा नहीं आ पाई है और इसी वजह से सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना। सुनिए, देश में ऐसे भी दल हैं कि जहां लोग पद में तो ऊपर चढ़ते जाते हैं लेकिन कद में छोटे होते जाते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।